नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान का मौसम अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा। तो राजस्थान में देखा जाए तो पश्चिमी जिलों को छोड़ जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर, पाली, जालौर, सिरोही को छोड़कर राजस्थान के संपूर्ण राजस्थान देखा जाए तो बादलों की आवाजाही बनी है। लेकिन अगले 24 घंटों में देखा जाए तो राजस्थान के कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जो कि देखने को मिलेगी। लेकिन जो शुरू हैं, झुंझुनू हैं, सीकर हैं, अलवर हैं, जयपुर हैं, भरतपुर हैं, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो 1 जनवरी की रात से काफ़ी जगहों पर रुक रुक करके बाहर हल्की बारिश की गतिविधियां हैं जो कि जारी है। शुरू के आसपास सत्र हैं, सीकर हैं, अलवर हैं, जयपुर हैं, दौसा हैं, भरतपुर हैं, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो काफ़ी जगहों पर अगले 24 घंटों में काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। कोटा, बारा, झालोड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर सभी क्षेत्रों में देखा जाए अगले 24 घंटों में कुछ क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां हैं जो कि काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा राजस्थान के पूर्व क्षेत्र आते हैं, राजसमंद है, उदयपुर हैं, कोटा, झालोड़ा और सीकर के आसपास क्षेत्र हैं, करौली हैं, दौसा हैं, भरतपुर हैं, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो अगले 24 घंटों में काफ़ी जगहों पर तेज़ बारिश की गतिविधियां हैं। कुछ क्षेत्रों पर हल्की ओलावृष्टि होने की संभावना है। और आज दोपहर के बाद में देखा जाए तो हनुमानगढ़ है, सुरू, गंगानगर के आसपास क्षेत्र हैं, सबसे ज़्यादा गंगानगर के सूरतगढ़ के आसपास क्षेत्रों में देखा जाए तो काफ़ी जगहों पर मध्यम बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। लेकिन जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, जोधपुर हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो हल्के बादलों की आवाजाही बिल्कुल देखने को मिलेगी। लेकिन लगभग मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। बारिश की गतिविधियाँ जो कि 3 जनवरी शाम तक देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन 4 जनवरी को देखा जाए तो पाली हैं और जोधपुर के पूर्व क्षेत्र हैं, बाड़मेर के पूर्व क्षेत्र हैं, जालौर और सिरोही के कुछ क्षेत्र पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधि है जो कि 4 जनवरी को देखने को मिलेगी। लेकिन पश्चिम क्षेत्र, बीकानेर, उन क्षेत्रों की बात करें, इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में काफ़ी जगहों पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। जो जोधपुर की पश्चिमी भाग है, जो बीकानेर की सीमाएं लगती हैं, जैसलमेर और बीकानेर की सीमाएं लगती हैं, उन क्षेत्रों में देखा जाए तो अगले 24 घंटों में काफ़ी जगहों पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। लेकिन बारिश की गतिविधियाँ जो कि 4 जनवरी के आसपास जोधपुर के पूर्व भाग है, बाड़मेर के पूर्व भाग में देखने को मिलेगी। जब तक मौसम जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर का लगभग शुष्क रहेगा। लेकिन हवाओं की बात की जाए, हवाएं लगभग उत्तर पश्चिम हवाएं चलती रहेगी। ठंडी हवाएं लगभग 10 से 15 किलोमीटर कुछ क्षेत्रों के लिए बन सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन जो शुरू के आसपास क्षेत्र, इन क्षेत्रों में देखा जाए सुबह के कुछ क्षेत्रों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ हैं जो देखने को मिलेगी। रुक रुक कर कुर के कुछ क्षेत्रों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। लेकिन गंगापुर की सिटी के आसपास है, शिवपुर है, शिव जो मध्य प्रदेश की सीमाएं लगती है राजस्थान के, उन क्षेत्रों में कोटा है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, उन क्षेत्रों में देखा जाए दोपहर के बाद में कुछ क्षेत्रों पर काफ़ी तेज़ बारिश की गतिविधियां जो देखने को मिल सकती हैं। शाम के समय देखा जाए तो जो मंदसौर के आसपास क्षेत्र हैं, राजस्थान की सीमाएं लगती हैं, डूंगरपुर के आसपास क्षेत्र हैं, बांसवाड़ा हैं, उन क्षेत्रों में देखा जाए काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। और नागौर के आसपास क्षेत्रों में देखा जाए तो 3 जनवरी की सुबह के समय कुछ क्षेत्र पर घने बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। नागौर है, अजमेर की, जो नागौर अजमेर की सीमाएं लगती हैं, उन क्षेत्रों में देखा जाए तो जो 3 जनवरी के सुबह के समय देखा जाए काफ़ी जगहों पर घने बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। और सीकर के आसपास क्षेत्र हैं, शुरू है, उन क्षेत्र शुरू के लाडू के आसपास क्षेत्रों में देखा जाए काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियाँ, हल्की से मध्यम कुछ क्षेत्रों पर हल्की ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती हैं। उसके साथ साथ हरियाणा के बठिंडा, सिरसा, हिसार, नई दिल्ली, दिल्ली के अलीगढ़ के आसपास है, आगरा है, पानीपत के आसपास क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर मध्यम बारिश की गतिविधियाँ जो कि 3 जनवरी की सुबह के समय देखने को मिलेगी। लेकिन राजस्थान देखा जाए तो कोर है, जो कि 3 जनवरी को राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, जो जोधपुर के जो बीकानेर की सीमाएं लगती हैं, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जैसलमेर हैं, सीकर हैं, झुंझुनू हैं, नागौर हैं, अजमेर हैं, टोंक हैं, भीलवाड़ है, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो 3 जनवरी सुबह के समय काफ़ी कोहरा रहने की संभावना है। तो ऐसा रहेगा राजस्थान का अगला 24 घंटा का मौसम। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के मौसम समाचार में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।